हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंट्रल आइडिया, और इसका नाम है पोएम का कीपिंग क्वाइट, शांत रहो या फिर खामोश रहो। वो आपने शायद सुना होगा, किसी ने कहा है कि बैठे हैं शिद्दत से तसव्वुर में किसी के, ऐसे में कोई छम से आ जाए। तो ये तो बड़ा रोमानी ख्याल है, लेकिन पोएट पैब्लो नेरुडा इस बात को कुछ अलग अंदाज से कह रहे हैं, शायद नसीहत के तौर पर, कि अगर हम सब लोग इसी तरह शोर मचाते रहे, एक्टिविटीज करते रहे जमीन पर, धरती पर, अपनी हर वो एक्टिविटी करते रहे जो धीरे धीरे इसको इनएक्टिव कर देगी, या शायद इस नेचर या प्रकृति को कहीं ना कहीं एक तरह से डिफ्यूज कर देगी, तो शायद इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को सेंट्रल आइडिया के तौर पर। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सो मच नॉइज, दुनिया भरी हुई है शोर शराबे से। एवरीवन इज मेकिंग नॉइज एज मच एज पॉसिबल, हर आदमी शोर मचा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है जितना संभव है। नो वन वॉन्ट्स टू हियर, कोई नहीं सुनना चाहता व्हाट आवर अर्थ इज क्राइंग फॉर, हमारी धरती, हमारी प्रकृति कुछ कह रही है, हमसे कुछ कहना चाह रही है, चीख रही है, वो चिल्ला रही है। शी वॉन्ट्स सम रेस्ट इफ पॉसिबल, वो चाहती है कि कुछ रेस्ट दीजिए उसे अगर संभव हो, अदरवाइज वरना शी विल हैव टू डू समथिंग, उसे खुद कुछ ना कुछ करना होगा टू कीप अस क्वाइट, हमें खामोश रखने के लिए, फिर चाहे वो चक्रवात हो, तूफान हो, सुनामी हो, ऐसा ही कुछ। वी मस्ट कीप आवर सेल्फ क्वाइट बिफोर दैट, इससे पहले हमें खुद को खामोश रखना होगा, शांत रखना होगा। दैट एक्सप्लोजन, उस भयानक विस्फोट से जो प्रकृति एक दिन कर बैठेगी, जिस तरह हम किसी बच्चे की बात नहीं सुनते हैं तो जोर का धमाका करता है, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर अटेंशन चाहता है, ऐसी हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति हमें कुछ देर के लिए शांत रखना चाहती है। एक्सप्लोजन ऑफ नेचर इटसेल्फ, प्रकृति के द्वारा किए गए ऐसे ही किसी बड़े विस्फोट से पोएट हमें आगाह करना चाहता है। इट रियली डज नॉट मीन अबाउट इनएक्टिविटी, इसका कहीं भी संबंध इस बात से नहीं कि हम इनएक्टिव हो जाएं, हम बिल्कुल एक तरह से सो जाएं, या हम किसी तरह की कोई एक्टिविटी ना करें, नेगेटिव हो जाएं, बिल्कुल आलसी हो जाएं। इट इज अबाउट पीस, ये आलसी होने की नहीं, शांत रहने की बात। तो दोस्तों, आपको इस सेंट्रल आइडिया कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपना मोस्ट फेवरेट एजुकेशन चैनल संजीव गोस्वामी। नमस्कार, लॉट्स ऑफ लव।